Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले एक थाई हॉरर सीरीज के बारे में जिसका नाम है 13 टेरर्स. ये सीरीज 2014 में रिलीज हुई थी. इस सीरीज में टोटल 13 एपिसोड्स हैं, सारे के सारे हाई रेटिंग्स वाले. बट ऑनेस्टली मुझे सारे एपिसोड्स अच्छे नहीं लगे, कुछ बिल्कुल ही लॉजिकल हैं. तो मैं इनमें से कुछ सिलेक्टिव एपिसोड्स का ही एक्सप्लेनेशन करूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 से. इसकी फाइनल ट्विस्ट बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है. ये कहानी है आन नाम के एक टीनेजर लड़के के बारे में जो स्कूल में काफी फेमस है, पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से नहीं, एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर और अपने गुड लुक के वजह से. सारे लड़कियां उस पर फिदा हैं, हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती हैं. हर दिन उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते ही रहते हैं, कभी स्नैक्स, कभी ड्रिंक्स, तो कभी कुछ और. आन भी इस अटेंशन को बहुत एंजॉय करता है. ऑलमोस्ट हर महीना गर्लफ्रेंड चेंज करता ही रहता है. एक दिन उसे एक लड़की एक रेड कलर्ड जूस ऑफर करती है जो खाने में काफी वियर्ड था, तो आन उसे आधा पीकर ही फेंक देता है. वहां से वो जाता है कोचिंग सेंटर, लेकिन पढ़ाई में तो उसका ध्यान नहीं था. उसकी नजर पड़ती है एक लड़की के तरफ जो बहुत ही खूबसूरत थी. एक बार वो उससे टकराता भी है, मगर ये लड़की बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी. वो तो आन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, बल्कि इस बार आन उससे बात करने के लिए बेताब हो रहा था. इसी बीच हमें बैकग्राउंड में एक मिसिंग लड़की के बारे में न्यूज दिखाई देती है जो पिछले 2 दिनों से गायब है. आन को इस सबसे कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपनी नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी तो वो उसके तरफ ही ध्यान दे रहा था. वो ट्यूशन खत्म होने के बाद उस लड़की का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है. इस लड़की का घर काफी बड़ा था, लेकिन घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई रहता नहीं. तभी वो लड़की कहीं से उसके सामने आ जाती है, उससे पूछती है वो क्यों उसे फॉलो कर रहा. आन घबरा जाता है और हड़बड़ी में कह देता है कि उसने वो न्यूज देखा है. आजकल शहर में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं. 2 दिन पहले एक लड़की गायब हुई है, तो उसने जब देखा इस लड़की को अकेले घर जाते हुए, उसने आउट ऑफ कंसर्न उसका पीछा किया. वो इतने खूबसूरत जो है. आन के बातों से ये लड़की काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे अपना नाम बताती है. हमें पता चलता है इस लड़की का नाम है फन. आन को फन बेहद पसंद आती है. कितनी भोली भाली लड़की है, हमेशा अपने काम से काम रखती है, किसी से बात तक नहीं करती. धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है. आन उसे कहता है कि अगर उसने इस बार भी फेल कर गया तो उसके डैड उसे घर से निकाल देंगे. इसे सुनकर फन उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए राजी हो जाती है. साथ में वो आन को एक रेड कलर्ड ड्रिंक भी ऑफर करती है जिसका टेस्ट बहुत ही वियर्ड था, बिल्कुल उस वाले ड्रिंक की तरह. लेकिन आन इस बार मना नहीं करता. उस दिन भी आन फन को घर छोड़ने जाता है. जिद करता है आज से ग्रुप स्टडी स्टार्ट करने की. फन मना नहीं कर पाती. वो दोनों घर के अंदर जा पहुंचते हैं. पूरा घर अंधेरा था. जैसे ही फन लाइट ऑन करती है, कहीं से उनके सामने एक लेडी आकर हाजिर हो जाती है. उसे देखकर आन तो डर ही जाता है क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही अजीब था. मगर वो कोई भूत नहीं थी, इस घर की केयर टेकर थी, श्री. वैसे उनका घर भी कम अजीब नहीं. पूरे घर में अजीब से आइडल्स, वॉल हैंगिंग्स, बुक्स और स्टैचूज थे. आन और फन दोनों मिलके काफी देर तक पढ़ाई करते हैं. एक्चुअली पढ़ाई तो फन कर रही थी, आन का ध्यान तो उस पर था. बीच में एक बार श्री आकर उन्हें एक ड्रिंक देकर जाती है जो वही रेड कलर्ड ड्रिंक था. इसी बीच एक अजीब सा हादसा होता है. आन को वॉशरूम जाना था, लेकिन उसी रास्ते उसे एक दूसरा कमरा दिखता है जो लॉक्ड था. अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी, किसी लड़की की. आन दरवाजा खोलने की कोशिश ही कर रहा था, मगर ठीक तभी श्री आकर उसे रोक लेती है. आन जब फन से इस बारे में पूछता है, तब वो कहती है इस घर में वो और श्री के अलावा और कोई रहता ही नहीं. अब इस श्री पर भी आन को शक हो रहा था. उनका बिहेवियर काफी अजीब था. पूछने पर आन को पता चलता है कि वो पहले एक मीडियम हुआ करती थी. ये सारे आइडल्स, बुक्स उनके ही हैं. रात काफी हो चुकी थी, तो आन इसी घर में रुकने का डिसाइड करता है. उसका इंटेंशन शायद कुछ और था, मगर फन इसी लिविंग रूम में उसके सोने का इंतजाम कर देती है, अपने रूम में नहीं. रात में आन को बहुत ही डरावने सपने आते हैं. उसे फिर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है. ऊपर से उसे अपने सामने फन दिखती है जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो बहुत ही क्रीपी तरीके से आन को घूर रही थी. आन इतना डर जाता है कि वो उसी वक्त उस घर से बाहर भागता है. इस मैटर को अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, लेकिन कुछ भी करके वो फन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था. उसे जानना था उस घर में क्या चल रहा है, और फिर उसके दोस्तों को उसके नए गर्लफ्रेंड की पिक्चर भी तो चाहिए थी. तो आन अगले दिन ही फन के घर में जा पहुंचता है. दरवाजे पर ताला लगा था,
फन तो घर में नहीं थी, मगर श्री उसे देख लेती है। बहुत ही प्यार से घर के अंदर ले जाकर उसे फिर से वही ड्रिंक ऑफर करती है। इस बार आन और खुद को रोक नहीं पाता, वो पूछ ही लेता है कि ये ड्रिंक आखिर है क्या। श्री बताती है ये तो पोमेग्रेनेट जूस है। आन उससे फन के पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है। उसे पता चलता है फन के जन्म के बाद उसके पिता उन्हें छोड़कर भाग गए। उसकी माँ एक सिंगल मॉम थी, उन्होंने ही श्री को हायर की थी फन का ख्याल रखने के लिए। उसके कुछ साल बाद फन की माँ गुजर गई, तब से श्री ही फन की अनऑफिशियल गार्डियन है। उसे पता है आन फन को लाइक करता है, इससे वह खुश भी है। कुछ देर बाद फन घर वापस आ जाती है। जब वो दोनों कल रात के बारे में बात करने लगते हैं, श्री अचानक बताती है कि वो स्पिरिट्स इस घर के पालतू हैं, किसी को हार्म नहीं करेंगे। मतलब आन का शक बिल्कुल सही था, इस घर में भूत है, मगर फन इस बात को नहीं मानती। उस रात भी आन इसी घर में रुकता है। बातों बातों में फन उससे पूछती है आन क्यों उसे पसंद करता है। आन कहना तो चाहता था वो खूबसूरत है इसलिए, मगर वो बहुत क्लीशे हो जाता, इसीलिए वो कहता है कि उसे फन की पर्सनालिटी बहुत पसंद है। इस जवाब से फन बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों एक साथ पिक्चर भी क्लिक करते हैं, लेकिन फन के फोन से। वो प्रॉमिस करती है कि वो बाद में आन को भेज देगी। उसी रात आन का असली पर्पस पूरा हो जाता है जब फन उसे खुद अपने बेडरूम में ले जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग श्री के चिल्लाने की आवाज से आन की नींद टूटती है। श्री को पता चल चुका था कि आन कल रात फन के रूम में था। वो बहुत नाराज हो गई थी, बार बार फन को कह रही थी कि इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, मगर फन उसकी एक भी नहीं सुनती। आन का काम तो पूरा हो चुका था तो वो घर से जाना चाहता था, मगर फन उसे रोक लेती है। एटलीस्ट लंच तक रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बाजार जाती है उसके लिए शॉपिंग करने। आन फिर से कुछ देर के लिए सो जाता है। जब उसकी नींद टूटती है तब तक दोपहर हो चुका था। आन को भूख लगी थी तो वो नीचे जाकर फ्रिज में चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ वो रेड जूस ही है और कुछ भी नहीं। गलती से उससे टीवी ऑन हो जाता है और उसकी नजर पड़ती है उसी मिसिंग लड़की के न्यूज पर। पहली बार आन को उस लड़की की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर डर से आन की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो फन की फोटो दिखाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले वो एक नाइट क्लब से गायब हुई थी। अभी तक पुलिस को उसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। आन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे फन दिखती है अपने पीछे उसी क्लोज्ड डोर के तरफ जाते हुए। आन भी उसका पीछा करता है और उस कमरे के सामने उसे एक फोटो मिलती है, श्री और फन की, मगर इसमें फन का चेहरा स्क्रैच्ड था। इस बार दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अंदर देखने पर ये कोई पूजा घर लग रहा था, मगर यहाँ पूजा किसी भगवान का नहीं, शायद कुछ और ही चीज का होता है। आन को फिर से एक बार उसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। आन कंफ्यूज्ड हालत में इधर उधर देखने लगता है, जब अचानक से ही फन उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखें फिर से एक बार सफेद हो चुकी थी। आन बहुत डर जाता है और भागने के चक्कर में गिर जाता है। उसका सर जाके टकराता है एक वुडन टब के ऊपर, जिसमें खून भरा था। अंदर थी एक लाश जो किसी और की नहीं, फन की थी। आन उसी वक्त घर से भागने की कोशिश करता है, मगर कोई उसके माथे पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसका होश लौटता है तब तक उसे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया था। आन को बहुत ही स्लाइटली दिखाई दे रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि उसके सामने कोई लेडी मंत्र पढ़ रही है। उसके हाथ में चाकू भी है। ये श्री थी, वो पागलों की तरह हंस रही थी। वो इस चाकू को आन के गले पे रखती है और कहती है, तुमने लाश को देख लिया है तो तुम्हें तो मरना ही होगा। आन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लेडी क्या पागल हो चुकी है, उसने फन को क्यों मारा। तभी वहां फन आ जाती है। उसकी मौत नहीं हुई, वो तो जिंदा है, सही सलामत है। वो श्री से झगड़ने लगती है और उनके बातों से इस फिल्म का क्लाइमैक्स रिवील होता है। पता चलता है ये श्री कोई केयरटेकर नहीं बल्कि फन की माँ है, और जिस चेहरे को देखकर आन अट्रैक्टेड हुआ था वो चेहरा फन का है ही नहीं, वो तो उस लड़की की थी जिसके न्यूज अपडेट बार बार टेलीकास्ट हो रही थी। असल में फन तो श्री की ही तरह बदसूरत है, वो वही लड़की है जिसने पहले दिन स्कूल में आन को जूस ऑफर की थी। फन को आन बहुत पहले से पसंद था, मगर आन ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो श्री ने अपने काले जादू के ज्ञान को अप्लाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को किडनैप किया, उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसके सारे खून को शरीर से निकाल लिया। वो रेड जूस यही खून है। उस लड़की की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो इसी घर में कैद हो गई।
आन जब से इस घर में आया है उस आत्मा ने कई बार उसे हकीकत समझाने की कोशिश की है, मगर आन का ध्यान तो कहीं और था। उस लड़की को खून करने के बाद काले जादू के मदद से श्री ने इस खून को कुछ इस तरीके का बना दिया जिससे जो भी इस खून को पिएगा उसे फन में उस लड़की का खूबसूरत चेहरा दिखेगा। श्री ने भी अपने हस्बैंड को ऐसे ही झांसे में फंसा कर शादी की थी, फन को जन्म दिया, मगर जिस दिन उनका जादू टूटा उस दिन ही उनके पति को उनका असली चेहरा दिख गया और वो श्री को छोड़कर भाग गए। फन इतने दिनों से इसी जूस को पिलाकर आन को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज्ड कर रखी थी। बाकियों के लिए फन तब भी बदसूरत ही थी, कोई उससे बात नहीं करता था और शायद इसीलिए उसने आन के फोन से पिक्चर भी क्लिक नहीं की, नहीं तो अगर आन के किसी दोस्त ने देख लिया तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाता। इतने दिनों तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर अभी श्री समझ चुकी थी कि आन भी भाग जाएगा, इसीलिए ही वो उसे मारना चाहती है, लेकिन फन उसे रोक लेती है। उसे लगा आन को सच में ही उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, वो जरूर उसके खराब चेहरे को देखकर भी उसके साथ रहेगा, तो वो आन को बचाने के लिए अपने ही माँ को मार डालती है। लेकिन उसका चेहरा देखकर आन सच में ही शॉक्ड हो जाता है। उसे सिर्फ इस घर से निकलना था, इन पागलों से दूर जाना था। वो बार बार फन से रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ने के लिए। फाइनली उसके बातों से फन समझ जाती है कि उसकी माँ सही थी, ये लड़का सच में ही भागने वाला है, तो वो गुस्से में पागल होकर चाकू चला देती है उसके गले पर, बार बार स्टैप करके मार डालती है उसे। शायद अभी आन की लाश भी इसी घर में बंद रह जाएगी और उसकी स्पिरिट भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ है, बिल्कुल उस मिसिंग लड़की की तरह। द एंड। दोस्तों मुझे ये कहानी काफी पसंद आई, आपका क्या ख्याल है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।